हेलो दोस्तों, मैं संजय नरसिंह से प्रीतम छाजेड आज आपको एम्फ्रियम के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो एम्फ्रियम के बारे में मैं आपको आज कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके जो एम्फ्रियम है वो अच्छे रह पाएंगे। तो पहले ट्रिक से देखिए, ये जो है ये एम्फ्रियम प्लांट्स है, इसे हम फ्लावर्स कहते हैं और दिस इज अ लीव्स। तो ये जो है इसे हम अभी इसके बारे में जानकारी लेंगे, एम्फ्रियम कहाँ रखना है। तो पहली चीज़ है, एंथुरियम आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे लाइट अच्छी हो। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट अच्छी है, लेकिन ये जो लाइट है ये फिल्टर्ड लाइट है, ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। तो आपको जो है एंथुरियम के प्लांट को जो है आपको फिल्टर लाइट देनी है, लाइक वरंडा है, आपकी विंडो है, बालकनी है, जहाँ पे 5-6 घंटा ब्राइट लाइट आनी चाहिए है, ऐसे जगह पे आप इसको रखिए। दूसरी चीज़ है मीडिया। काफ़ी लोग गलती से एंथुरियम को मट्टी में प्लांटिंग करते हैं, तो एंथुरियम प्लांटिंग में खुश नहीं रहता है सॉइल के अंदर। तो एंथुरियम को जो है आप परलाइट और कोकोपीट के अंदर प्लांटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप जो है एंथुरियम को कोको चिप्स के अंदर भी अच्छा, बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो आप चिकनाट वाली ऐसी कोई भी मट्टी इस्तेमाल मत करिए जिसमें एंथुरियम अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है पानी। तो पानी जो है आपको एंथुरियम को उतना ही देना है जितना, यदि आपका ये मीडिया जो है, मीडिया हम जो पॉटिंग सॉइल बोलते हैं उसे हम मीडिया बोलते हैं, तो मीडिया को जो है आपको इतना ही मीडिया देना है। यदि ये गीला है तो इसे पानी नहीं देना है, पानी तभी देना है जब ये ड्राई हो जाएगा, तब तक इसे पानी हमें नहीं देना चाहिए। यदि ज़्यादा पानी देंगे तो इसके रूट रॉट हो जाएंगे और प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। तो एंथुरियम जो है ज़्यादा ह्यूमिडिटी में बहुत अच्छा ग्रो करता है। यदि आप केरला में गए होंगे तो आप देखेंगे एंथुरियम केरला में बहुत अच्छे आते हैं। केरला के काफ़ी घर में ऑर्किड्स और एंथुरियम बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, बिकॉज वहाँ नेचुरली ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी है। आप गोवा में जाएंगे, कोकण में जाएंगे तो ऐसी जगह पर एंथुरियम और ऑर्किड्स बहुत अच्छे आते हैं। तो यदि आप आपके घर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो एंथुरियम है, जैसे धूप के दिन है, धूप के दिन में बाहर की ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, 25-30% ह्यूमिडिटी होती है, तो एंथुरियम जो है 70% ह्यूमिडिटी में बहुत अच्छा आता है। तो आपको क्या करना है, ये जो एंथुरियम का पौधा है इसे दिन में 2 से 3 बार इसको जो है पानी ऐसा स्प्रे करना है, पत्ते के ऊपर आपको पानी स्प्रे करना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट के वहाँ पे आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेंगी। और एक चीज़ आपको ये करना है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट के अंदर आपको थोड़ा पेबल्स डालना है और पेबल्स डालकर ये प्लांट उसके अंदर रख देना है और उसके अंदर फिर हमें पानी भर देना है, जिसकी वजह से ये हम पानी डाल रहे हैं। देखिए प्लेट के अंदर, ये प्लेट के अंदर मैंने पानी डाला है और वहाँ पे मैंने ये एंथुरियम का प्लांट रख दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पानी होने की वजह से इतने एरिया में जो है ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेंगी ये प्लांट के अंदर। तो धूप के दिन में यदि आपको प्लांट को अच्छा रखना है तो आपको जो है यहाँ पे पानी, प्लेट के अंदर पानी रख के ये आप इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हो। या धूप के दिन में आप कोई, आपके यहाँ पे कोई ट्रीज होंगे, बड़े ट्रीज घर के सामने, तो ट्रीज के छाव में भी आप रख सकते हो, सिर्फ आपको पानी का उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये होगा ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और आपको उसके बाद टेम्परेचर जो है एंथुरियम 25-30, 20 से 30 के अंदर आपको एंथुरियम को टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। 30 के ऊपर टेम्परेचर होगा तो आपके प्लांट के जो है जो लीव्स है वो ख़राब होते हैं। तो आप उसके लिए जैसे 12 से 3 या 4 बजे तक आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे क्लाइमेट ठंडा है। 2 मिनट थमा। तो अभी प्लांट जो है काफ़ी लोगों के ख़राब होते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे खराब न होने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए ये जो एंथुरियम का प्लांट है, अब इसका ये पत्ता धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके जो रूट्स है वो ख़राब हो गए हैं। तो ये रूट ख़राब हो गए, इसका मतलब इसे पानी बहुत ज़्यादा हुआ है या बहुत कम हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको लग रहा है ऐसे पत्ते धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए आपको मार्केट में कोई फंगीसाइड मिलेगा, रिडोमिल है, बाविस्टिन है, अलाइट है, आप कोई पेस्टिसाइड शॉप से वो खरीद कर लाइए। और जैसे ये रिडोमिल है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये रिडोमिल का पैकेट है, ये हमें क्या करना है, जैसे 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम डालना है। जो शॉप वाले वो आपको बता देंगे 2 ग्राम कितना होता है। तो 2 ग्राम लेना है, पानी के अंदर घुलाना है और वो प्लांट को दे देना है, जिससे आपके रूट अच्छे रहेंगे।
अच्छे रूट इसका मतलब क्या है, ये जो प्लांट इसके मैं रूट आपको बताता हूँ। अभी ये मैं पॉट से निकालता हूँ, देखिए ये पॉट से निकला है, इसे हम कहते हैं अच्छे रूट, पूरे वाइट रूट है। इसका मतलब क्या है, ये प्लांट हैप्पी है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके रूट खराब होंगे तो आपके पत्ते डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद और प्रॉब्लम आता है, देखिए ऐसा प्रॉब्लम आता है काफ़ी बार, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी बार देखा है। तो ये क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है। एंड सेकंड चीज़ ये बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं, ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। तो कभी भी आपका पौधा जो है ये तो काफ़ी बढ़ गया है, आपको क्या करना है, ये थोड़ा भी यहाँ पे टिप खराब हुआ है तो आपको जो है ये पौधा जो है ये जो लीव्स है ये नीचे से कट करना है सिकेटर से, और कट करके ये आपको तुरंत इसको जला के फेंक देना है। बिकॉज इसकी वजह से ये धीरे धीरे बढ़कर आपका पूरा प्लांट डैमेज हो जाएगा और प्लांट मर जाएगा। तो ये जो है ये बैक्टीरियल ब्लाइट ये आपको नहीं रखना है, ये तुरंत आपको फेंकना है। उसके बाद फोर्थ चीज़ आती है पेस्ट कंट्रोल। तो ये जो है यह पत्ता यदि देखेंगे, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, देखिए ये पत्ता अच्छा है और ये नया आया हुआ पत्ता ये खराब है, तो इसे हम कहते हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स ये क्या करता है, ये देखिए ये पूरा आप यदि देखेंगे पूरा डैमेज हो गया है। तो इसके लिए क्या है, ये यदि आ गया तो आपका प्लांट का नया जो लीव्स है वो आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये प्लांट खराब हो जाएगा। ये सकिंग पेस्ट है। सकिंग मीन्स ये क्या करता है, पौधों के अंदर जो खाना है पूरा खींच लेता है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे जो आए हुए पत्ते हैं ये हमें तुरंत कट करने चाहिए नीचे से सिकेटर से। आप ये पत्ते कट करके इसको तुरंत जलाकर फेंक दीजिए, ऐसे पत्ते रखिए मत। और इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है, मार्केट में कॉन्फिडोर नाम का दवाई आता है, कॉन्फिडोर है, रिजेंट है। तो आप यदि कोई पेस्टिसाइड शॉप में जाएंगे, या नीम ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वीकली एक बार या दो बार आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, 3 ml पर लीटर इसको इस्तेमाल करिए, जिससे पूरा पेस्ट एंड डिसीज उसके उसका कंट्रोल हो जाएगा। बाकी वही मेन प्रॉब्लम है, मैंने 2-3 चीज़ बताई है, काफ़ी डिटेल जानकारी दे सकते हैं लेकिन फिर आपको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने जानकारी में आपके प्लांट अच्छे हो सकते हैं। तो थैंक यू, यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें आप मेल करिए या हमें कमेंट्स करिए। थैंक यू, बाय।